आगे बढ़ेंगे, सुपर फास्ट खबरों को देखेंगे, पर उससे पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं। आगर मालवा से ये बड़ी खबर है, मीट खरीदने की बात पर चाकूबाजी हुई है। गंगापुर में दो समुदायों के बीच चाकूबाजी हुई, विवाद में मारा है चाकू युवक, गंभीर रूप से घायल है। ग्रामीणों में आक्रोश है, घटना के बाद दो समुदायों में संघर्ष हुआ, गुस्साए ग्रामीणों ने दुकान में आग लगा दी। पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को संभाला है। गांव पहुंचा जिले के सभी थानों का फोर्स, घायल का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। तो मीट खरीदने की बात पर चाकूबाजी हुई है, गंगापुर में दो समुदायों के बीच विवाद हुआ और विवाद में चाकूबाजी हुई, युवक गंभीर रूप से घायल है, ग्रामीणों में आक्रोश भी है। इससे घटना के बाद दो समुदाय में संघर्ष देखने को मिल रहा है, ग्रामीण गुस्साए हुए हैं, दुकान में आग लगा दी है उनके द्वारा। पुलिस ने पहुंचकर फिलहाल स्थिति को संभाल लिया है। गांव जो है सभी थानों का फोर्स पहुंच चुकी है और घायल जो है उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो मीट खरीदने की बात पर चाकूबाजी, पहले बहस हुई, उसके बाद विवाद के बाद देखते देखते मारपीट शुरू होने लगी और चाकूबाजी हो गई। अब युवक की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, पर ग्रामीणों में आक्रोश है। बता दें ग्रामीणों ने ये दुकानों में आग भी लगा दी है और स्थिति ज़्यादा बिगड़ती देख पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत कराया और स्थिति को काबू में किया गया है फिलहाल। पर ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर किस तरह से आग लगा दी गई है, दुकान में आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए सहयोगी रजनीश सेठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, जानकारी मामले में। जी हाँ, ये जिले का जो ग्राम गंगापुर है, इसमें मीट खरीदने की बात को लेकर दो युवकों में पहले विवाद हो गया, जिसके बाद एक युवक को चाकू दूसरे युवक द्वारा चाकू मार दिया गया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसकी सूचना लगने पर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और इस घटना के बाद में जो आक्रोशित ग्रामीण थे उन्होंने एक दुकान में आग भी लगा दी, जिसको लेकर जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना लगी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया है। फिलहाल जिले के लगभग सभी थानों का फोर्स गांव में पहुंच चुका है और स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और घायल का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। जी जी, अभी इस मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है, क्या हुई है, तो कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है आखिर? जी फिलहाल अभी किसी की भी गिरफ्तारी की अभी सूचना नहीं है, अभी पुलिस द्वारा फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में किया जा रहा है और जल्दी अब इसमें प्रकरण दर्ज करके जो इस मामले में जो दोषी है उनको गिरफ्तार करने की बात पुलिस द्वारा कही जा रही है। जी बाकी बड़ा मामला है कि चाकूबाजी यहाँ पर छोटी सी बात पर हो गई और उसके बाद देखिए कि युवक की हालत तो गंभीर है, परिजनों ने भी यहाँ पर दुकान को आग के हवाले कर दिया है। ये आग लगाई गई उस वक्त क्या किसी के घायल होने की, झुलसने की भी खबर है क्या इस मामले में, और आखिर ये जो लोग हैं जिन्होंने आग यहाँ पर लगाई है, दुकान को भी आग के हवाले किया है, इन पर भी किन्हीं धाराओं में प्रकरण दर्ज? जी फिलहाल अभी पुलिस द्वारा स्थिति को नियंत्रण किया जा रहा है, उसके बाद में प्रकरण दर्ज कर गए और जो आगजनी की घटना की गई है उन लोगों पर भी प्रकरण दर्ज किया जा सकता है। फिलहाल जो आगजनी की यह घटना की गई तब दुकान के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था, सभी लोग स्थिति को देखते हुए भाग चुके थे, तो ऐसे में किसी के घायल होने की सूचना अभी आगजनी में नहीं मिल रही है। जी ठीक, पर बड़ा मामला है, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई भी होनी चाहिए और जैसी तस्वीर अब सामने आई है, आखिर इस बारे में भी जानकारी मिल रही है कि कितने आरोपी इसमें शामिल थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, युवक पर हमला किया, इस मामले में कोई जानकारी? जी फिलहाल लगभग दो से तीन लोगों की इसमें जानकारी आ रही है कि तीन से अधिक लोग थे जिन्होंने युवक पर ये चाकू से जानलेवा हमला किया था, उसके बाद जो गुस्साई भीड़ ने दुकान में आग लगाई है। तो ये जो छोटी सी घटना थी ये गुस्से में बदलते हुए और दो समुदायों के बीच में ये घटना बदल गई है। ये जो युवक को मारा गया है चाकू, इसमें क्या दुकान मालिक भी शामिल था क्या? जी हाँ, जो दुकान मालिक है उनके द्वारा इस युवक को चाकू मारा गया है, जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसमें। हाँ। यह युवक उस दुकान पर मीट खरीदने गया था, उसके बाद में किसी
जो मीट की क्वालिटी को लेकर इन दोनों में किसी प्रकार का विवाद हुआ, जिसके बाद जो दुकान मालिक था उसने युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मतलब आरोपी चिन्हित कर लिए गए हैं पर गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, ये माने कि अब जो है जल्द से जल्द गिरफ्तारी का पुलिस भी दावा कर रही होगी रजनीश? जी हाँ जी हाँ, पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि जल्दी उनको अब गिरफ्तार कर लिया जा रहा किया जाएगा। अभी फिलहाल जो आरोपी हैं वो सभी फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी जो फिलहाल पुलिस की पहली प्राथमिकता गांव में स्थिति को नियंत्रण में रखने की है, तो पुलिस द्वारा फिलहाल वो किया जा रहा है। और जैसे ही धीरे धीरे अब रात में वो जो इसमें आरोपी हैं, जो पूरे मामले के दोषी हैं, उन लोगों को अब पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला तो शांत करा दिया रजनीश, ये भी बताइए कि मौके पर अभी भी वो जो ग्रामीण हैं जिन्होंने आग लगाई है वहां पर, क्या अभी भी वहां पर इकट्ठा हुए हैं लोग, हंगामा कर रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति? नहीं, अभी फिलहाल पुलिस द्वारा पूरी स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है और ग्रामीणों को की जो भीड़ है उसको पुलिस द्वारा तितर बितर कर दिया गया है। कुल मिलाकर अभी जो गांव में पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है और अभी हालांकि तनाव का माहौल जरूर है लेकिन स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। और जो घायल है उसकी हालत कैसी बनी हुई है? फिलहाल वो गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज जारी है। बाकी डॉक्टर के अनुसार वो जो उसकी हालत चिंता से बाहर है, जल्दी उसको मतलब ठीक हो जाएगा। जी जी, अब जो है कि ठीक है युवक तो ठीक हो जाएगा पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम भी यहाँ पर बनाई गई होगी, अब ये मान सकते हैं कि जल्द गिरफ्तारी भी हो जाएगी। और अभी जो स्थिति वहां पर नियंत्रण से बाहर थी, आग इतनी लगाई गई थी, ये भी माने कि पूरा नुकसान वहां पर हो चुका है, आग क्या बुझा दी गई है, स्थिति नियंत्रण में है? जी हाँ, जैसे ही जब प्रशासन को आग की सूचना लगी तब आगर से फायर ब्रिगेड को मुकर पर भेजा गया था। हालांकि ग्रामीणों द्वारा शुरुआत में फायर ब्रिगेड को और पुलिस की गाड़ियों को रोक दिया गया था लेकिन काफी देर समझाइश के बाद में मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और पूरी आग को काबू में पाया गया। हालांकि जब तक बताया जा रहा है कि जो दुकान के अंदर जो सामान था उसमें पूरी तरह जल गया था, तो ऐसे में अभी हालांकि जो आगजनी से कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन तो नहीं हुआ है लेकिन बड़ा नुकसान की आशंका जताई जा रही है। किसी तरह का रजनीश पुराना विवाद बताया जा रहा हो कि पहले भी ऐसी स्थिति बनी हो, दुकानदार और ये जो युवक था जिस पर हमला हुआ है, पहले भी किसी बात को लेकर नोकझोंक चल रही हो? जी, आपको बता दूं कि अभी इस तरह की तो कोई जानकारी अभी फिलहाल सामने नहीं आई है। फिलहाल जो जानकारी आई है उसमें आज ये युवक जो दुकान पर मीट लेने पहुंचे थे और मीट की क्वालिटी को लेकर ही इनमें विवाद की बात अभी तक बताई जा रही है ग्रामीणों द्वारा। ठीक, आप लगातार नजर बनाए रखिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल। सब्जी लेने गए था मुर्गा। अच्छा, किसके यहाँ गए थे? सरकार के वहाँ। तो उसने सुबह की सरकार दे दी फ्रिज की, दो दिन पहला की दे दी। तो फिर वो मना करने लगा तो गाली बकने लगा वो, तो मैं सरकार फेंक दी तो वो सूरा लेके आया, फिर सूरा मार दिया मेरे। किसने मार दिया? वो समीर ने। अच्छा, और कुछ पासी त्यौहार किया। और आइए अब आगे बढ़ेंगे सुपर फास्ट खबरों में। भोपाल में शर्वरी और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त। और कुछ खबरें विस्तार से भी भोपाल का जिक्र करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने जानकारी दी है, कल पीएम मोदी किसानों को बड़ी सौगात देंगे। कल सुबह 11 बजे पीएम मोदी सौगात देंगे, अलग अलग 109 किस्तों को जारी करेंगे पीएम, खेत में ही जाकर फसलों को रिलीज करेंगे पीएम। कल ICAR के खेतों में जाएंगे पीएम मोदी, 3 जगहों पर बीजों की किस्मों को जारी करेंगे। एक मंच बना हुआ है, बाकी हजारों लोग आए हुए। प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि खेत में ही जाके फसल को रिलीज करेंगे, वो किसानों से चर्चा करके। कल ICAR के खेतों में जाएंगे प्रधानमंत्री जी,
और अलग अलग तीन स्थानों पर एक जगह बागवानी और दो जगह फसलों की बीजों की किस्मों को रिलीज करके किसानों के लिए समर्पित करेंगे। बिलासपुर का जिक्र करेंगे। दो बाइक की आपस में भिड़ंत हुई। हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल है, उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सीपत थाना क्षेत्र के मटियारी की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर सड़क हादसे में दो की मौत हो गई, महिला घायल है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। रायपुर में रमेश बैस ने साफ किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे पहले उनके दिल्ली दौरे के बाद अटकलों का सियासी बाजार गर्म हो गया था। ये कहा जा रहा था कि वो रायपुर दक्षिण से चुनाव लड़ सकते हैं। दिल्ली में रमेश बैस ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। रमेश बैस ने इस मुलाकात को औपचारिक बताया। उनका कहना था कि राज्यपाल पद से अलग हुआ था, इस वजह से औपचारिक तौर पर मुलाकात के लिए दिल्ली गया था। मैं तो राज्यपाल से अलग हुआ, उसके बाद से एक कर्सी कॉल करते हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर मेघवाल जी, अपना रेल मंत्री वैष्णव जी, सबसे मुलाकात हुई है। और एक कर्सी कॉल था कि इतने लंबे समय तक मुझको काम करने का मौका दिया। नहीं नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। और आगे ऊपर दिल्ली से जो भी निर्देश मिलेगा मैं वही। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा मुंगेली के लोरमी में हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव उनके साथ रहे। इसी दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने स्वागत किया, कलश यात्रा निकाली। लोरमी में कल पंडित प्रदीप मिश्रा कथा का वाचन करेंगे। 7 दिन के कथा वाचन को लेकर आयोजकों ने अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने केवल 1 दिन की अनुमति दी। उधर कथा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। वहीं कल कथा में सीएम विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री तुखन साहू, डिप्टी सीएम अरुण साव शामिल हो सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध कथावाचक सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी का लोरमी आगमन हुआ है। कल 1 दिवसीय शिव पुराण कथा वो करने वाले हैं और ये हम लोरमी वासियों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि विश्व विख्यात कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी का आगमन हुआ है। जबलपुर के सिविल लाइन थाने में एक नाइजीरियन युवक सरकारी मेहमान बना हुआ है। युवक इससे पहले जेल में सजा काट रहा था, लेकिन अब इसे वापस इसके देश भेजने की तैयारी है। जॉन ओर्फ ब्राउनी नाम के इस युवक ने अब हिंदी में भी बात करता है और भारत देश में ही रहना चाहता है। करीब 7 साल पहले ये टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था और कुछ युवकों के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा करने लगा। इसने एक महिला से 16,26,000 रुपए ठगे। महिला की शिकायत पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अब कोर्ट ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन उसका वीजा समाप्त हो चुका है और वो उसे रिन्यू नहीं करवा पाया। वो कहीं और चला ना जाए, इसीलिए उसे सिविल लाइन थाने में रखा गया। सीएसपी ने बताया कि जॉन को उसके देश वापस भेजने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। में 2018 में साइबर फ्रॉड के केस में स्टेट साइबर के द्वारा पकड़ा गया था। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसे पेश किया गया था, तो जहां से उसे उसका ट्रायल चल रहा था और उसमें वो उसी मामले में जेल पे था और लगभग 3-4 साल बाद इसे जमानत मिल गई थी, तो ये इसे छोड़ दिया गया था। आफ्टर दैट कई इसके समन वगैरह जारी हुए थे और ये समन तामीली के बावजूद पेश नहीं हुआ था, तो इसका स्थायी वारंट जारी किया था कोर्ट ने, तो उस पर जून 2024 में से पुनः गिरफ्तार करके और कोर्ट में पेश किया गया था, जहाँ से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था। अभी रिसेंट में 20-25 दिन पहले उसे उस मामले में बरी कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। शुक्रवार को नागपंचमी पर्व के अवसर पर 24 घंटे में श्रद्धालुओं की संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस दौरान करीब 6 लाख से अधिक लोग महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे, तो वहीं मंदिर को 44 लाख की आय हुई है। मंदिर प्रशासन ने भक्तों के लिए 12 विशेष प्रसाद काउंटर लगाए। 94 क्विंटल लड्डू प्रसाद की बिक्री हुई, इससे मंदिर को करीब 43,62,700 रुपये की आय हुई है। और अब बात अशोकनगर की, जहां के चंदेरी में देशभक्ति गीतों पर पुलिसकर्मी झूमते नजर आए। पुलिसकर्मियों का डांस करते ये वीडियो सामने आया। 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली निकाली गई, जिसमें चंदेरी थाना प्रभारी सहित एसडीओपी झूमते हुए दिखाई दिए।
और अब बात सिंगरौली की, जहां अमर हवा गांव में एक खेत में भारी भरकम मगरमच्छ से हड़कंप मचा। 6 फीट से अधिक लंबी मगरमच्छ को खेत में देखकर लोगों की सांस अटक गई। लोगों ने इसकी सूचना सोन घड़ियाल अभ्यारण्य की टीम को दी, जिसने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। और इसी के साथ ही खबरों में इतना ही। नमस्कार।